कह रहे जिसमें बैठते हैं ले ओ। चलो चलो सुनिए अभी अभी आया। मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं। बोलो मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं। वो बीते दिनों की बात अब मैं क्या करूं। वो बीते दिनों की बात अब मैं क्या करूं। सुनिए अलग भी अलग आप ही सुनिए। जब तख्ती पर हम काखा गाघा लिखते थे। जब तख्ती पर हम काखा गाघा लिखते थे। वो काले अक्षर हीरे मोती लगते थे। वो काले अक्षर हीरे मोती लगते थे। और अगले दिन उसी तख्ती को नई बनानी होती थी। कैसे किसे जब मुल्तानी से रोजी ही नहीं बनाते थे। जब मुल्तानी से रोजी ही नहीं बनाते थे। स्कूल में जाने को देर हो रही है। सूखी नहीं तख्ती सूखी नहीं फिर क्या होता था। गिली गिली चली जा सुखी सुखी आ है? जब मुल्तानी से रोजी नहीं बनाते थे। फिर गागा करके गीत भी उसको सुखाते थे। बालकिशन भैया उस समय किसी के पास सिल्वर रंग की अटैची होती थी ना सिल्वर रंग की तो हम ये कहते थे इसके पापा बहुत अमीर है। क्यों हम तो कट्टे में भर के ले जाते थे और उसी कट्टे को खाली किया उसी में बैठ गए। ना वो बसते ताली कौन बजाएगा। ना वो बसते ना वो किताब अब मैं क्या करूं। ना वो बसते ना वो किताब अब मैं क्या करूं। ये जमाना तो आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा है। आज मम्मी यूं मारती है कि बाहर नहीं जाता और मेरी मम्मी का निशाना तो इतना पक्का था जितनी दूर से मारती थी चप्पल सीधी मुंह पे ही आती थी। इतना पक्का निशाना पहले। अब बच्चे यूं यूं पिटते हैं कि बाहर नहीं जाते। पहले मैदान से पिटते हुए घर आते थे कि घर नहीं आते। सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी। सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी। बस यारों की यारी हमको भाती थी। बस यारों की यारी हमको भाती थी। उस समय हेलो उस समय हमारे जैसे शरीफ बच्चों के खेल कंचे लट्टू छुपम छुपाई कहाँ गई। कंचे लट्टू छुपम छुपाई कहाँ गई। वो पिट्ठू वो खो खो रस्सी कहाँ गई। वो पिट्ठू वो खो खो रस्सी कहाँ गई। एक खेल और होता था। देखो एक खेल और होता था जिसमें दो जन आमने सामने ऐसे खड़े हो जाते थे। तुम दोनों खड़े हो आप आओ फटाफट आओ समय कम है। ये नजारा देखो आज हम हंसने के लिए कपिल शर्मा को 1.5 करोड़ रुपए देते हैं है? पहले खामा का हंसते रहते थे बापू यूं पीटता था खामा का पागलों की तरह हंसे जा रहे तुम्हें यार है? अब 3-4 उठ के आना वैसे ही हो जाओ पोजीशन लो ऐसे 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 खड़े हो ऐसे अरे ऐसे खड़े चलो पोजीशन लो इधर आ जाओ छतरी में कहाँ जाओगे। चलो कौन घुसेगा
जोर प्लीज। पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, ये अकेली आइए अकेली। लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा। अच्छा औरतें तो फिर भी अपना मन कहीं ना कहीं हल्का कर लेती हैं, रो के हैं, चुगलियां करके, जैसे भी आदमी नहीं कर पाते है ना। रुको 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 दीदी, तुम वैसी बनो, वैसी बनो, पोशंपा करो, जिसका मन है खेलने का आ जाओ, आज आ जाओ ना, आ जाओ, अरे आओ तो सही, मजा आएगा, आओ आओ आओ, आओ। सच के, सच कह रहा हूँ। नवीन नवीन जी आओ ना, अजय आओ, साडू साहब भी आएंगे, कैसा लगेगा? गोरखपुर के 3-4 पेट्रोल पंप का मालिक पोशंपा पोशंपा खेल रहा है। पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना। मजा आया ना, बहुत ही। बैठो ना, वो पोशंपा की बात अब मैं क्या करूं, ना वो पोशंपा की बात अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं। आज आज सब कुछ हम 2 सेकंड में कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। पहले कहने में महीनों लगते थे, जवाब आने में फिर और महीने लगते थे, क्योंकि पहले चिट्ठियां चलती थी। आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज किया और 2 ग्रीन डंडी आ गई, पढ़ लिया और 3 मिनट में उसका रिप्लाई नहीं आया ना, तो झगड़ा भी उसी समय हो गया, कि पढ़ने के बाद भी रिप्लाई नहीं आया। पहले अब कोई ना चिट्ठी तारी ही आता है, अब कोई ना चिट्ठी तारी ही आता है, पहले सना कोई प्यार जताता है, पहले सना कोई प्यार जताता है, ना वो शादी ना वो सब होते हैं, जैसे बाऊजी है ना, बाऊजी बैठे हैं। अब ये लोग फंक्शन में आ तो जाते हैं, कहते यार हमारे लिए कुछ करने का तो है ही नहीं, घर से गाड़ी में बैठे, यहाँ यहाँ से बैठे गाड़ी में घर। पहले जब घर में फंक्शन होता था ना, तो घर के बुजुर्गों को दूर दूर जो रहते भी थे, महीना भर पहले बुला लेते थे, और उनकी पैट जगह पता कौन सी होती थी, हलवाई के पास, कि आप नहीं ये संभालना है, बुजुर्गों को वहां बिठा दिए, समझ लो राशन बचा रहेगा। बोल सच्चे, ना वो शादी ना वो सब होते हैं, ना वो शादी ना वो सब होते हैं, अब त्योहार भी अपनी शोभा खोते हैं, अब त्योहार भी अपनी शोभा खोते हैं, पंकज बदले हालात अब मैं क्या करूं। सही था, मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं, वो बीते दिनों की बात अब मैं क्या करूं। बोले सच्चे, एक ऐसे देवता का नाम बताइए जो एक ही रूप में एक ही कार्य करते हुए
ये किसका है? अच्छा कोई नहीं, ये जिसका भी अपना समझ के बिठा लो, क्या हो गया? एक ऐसे देवता जो एक ही रूप में एक ही कार्य करते हुए हर युग में विराजमान हुआ, जिसको पता है हाथ उठाओ। पहले लेडीज 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 बताओ बताओ, दोबारा बताओ क्या? एक ऐसे देवता जो एक ही रूप में एक ही कार्य करते हुए हर युग में विराजमान हुए हो, जल्दी बताओ। इनमें यही आदत है, अभी देखो ऐसे बैठे सांप सूंघ गया हो और जायंट्स में से किसी ने बता दिया ना तो छूट गया। ले यही तो बताने वाली थी मैं, मुंह से निकलने वाला था पहले ही बता दिया। हाँ श्री नारायण, देखा इनका जवाब बिल्कुल गलत है। अभी विष्णु जी का आया, किसने बोला? ईमानदारी से बोलना, विष्णु जी किसने बोला? विष्णु जी किसने बोला था? नहीं नहीं, कृष्ण जी और विष्णु जी है ना, बात तो एक ही है ना, फिर भी गलत है। आपने सवाल जल्दी, आपने सवाल नहीं सुना। मैंने कहा एक ऐसे देवता जो एक ही रूप में एक ही कार्य कर